तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट का डिस्कशन स्टार्ट किया था, और मैंने अब तक आपको जिन यूनिट्स के बारे में बताया हुआ है उसमें वेट फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, पीपीएम बाई मास है, उसके बाद फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन, परसेंट स्ट्रेंथ वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। तो इन यूनिट्स को मैंने डिस्कस किया है। अब मैं आगे उसी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट लिखो मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफिनेशन लिखो मोलैरिटी की, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट अगर आप देखो तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, और मोलर बोलते हैं, मोलर, ठीक है, मोल पर लीटर और मोलर। फॉर एग्जाम्पल M/5 एक्वस सोल्यूशन M/5 एक्वस सोल्यूशन ऑफ एच सी एल मीन्स 1/5 मोल ऑफ एच सी एल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये होना चाहिए। N/5 मतलब 1/5 मोलर, M/20 मींस 1/20 मोलर, M/2 मींस 1/2 मोलर, इस तरीके से। मोलर मतलब मोल पर लीटर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट यूनिट लिखो फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफिनेशन लिखो, लिखो मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग
मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग आयनिक सोल्यूट, मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग आयनिक सोल्यूट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी. मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग आयनिक सोल्यूट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी. ठीक है, तो मोलारिटी को फॉर्मेलिटी को आप लिख सकते हो, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक सोल्यूट या आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ आयन या आयनिक सब्सटेंस, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन को नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ आयन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन और नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ आयन ये सेम टर्म है बेटा. क्लियर है ना? यस यस सर. इसमें ये जो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ आयन है this is equal to amount of ion in gram divided by formula mass of ion. formula mass kya hai ye main aapko pehle bata chuka. yes sir, likhna hai, ek minute ruk jana. इसका मतलब है कि फॉर्मेलिटी जो है वो उसका डिस्कशन भी फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि फॉर्मेलिटी बेसिकली मोलारिटी है. किसका? आयनिक सॉल्यूट का. तो हम ये बोल सकते हैं 0.1 मोलर KMnO4 solution is equal to 0.1 formal KMnO4 solution, क्योंकि ये आयनिक सोल्यूट है. लेकिन अगर यह 0.1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन अब ग्लूकोज जो है यह आयनिक सोल्यूट नहीं है, यह कोवेलेंट कंपाउंड है. तो 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 0.1 फॉर्मल ग्लूकोज सॉल्यूशन. ये समझ में आया? जी सर. सर एक और बार बताना. क्योंकि जो फॉर्मेलिटी है वो सिर्फ आयनिक सॉल्यूट के लिए डिफाइंड है, ग्लूकोज आयनिक सॉल्यूट नहीं है, इसलिए ग्लूकोज की मोलारिटी को आप उसकी फॉर्मेलिटी नहीं बोल सकते. बट अगर अगर आपके पास HCl है, NaNO3 है, KNO3 है, K2SO4 है, KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये सब आयनिक कंपाउंड है, तो इनकी मोलारिटी को आप फॉर्मेलिटी बोलोगे. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट टर्म लिखो. पिछले साइड स्लाइड दिखा.
नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी लिख लिया भाई। डिमालिटी को इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिफिनेशन लिख लो, लिखो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट 0 degree centigrade, molarity of a solution at 0 degree centigrade and 1 atmosphere, molarity of a solution at 0 degree centigrade and 1 atmosphere is called demolity. Molarity of a solution at 0 degree centigrade and 1 atmosphere is called demolity. Molarity of a solution at 0 degree centigrade and 1 atmosphere is called demolity. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं therefore 0.5 demol is equal to 0.5 molar at 0 degree centigrade and 1 atmosphere. 0.5 demol मतलब 0.5 molar at 0 degree centigrade and 1 atmosphere. Demolity की definition में एक बार फिर से repeat कर रहा हूं, molarity of a solution at 0 degree centigrade and 1 atmosphere is called demolity. Molarity of a solution at 0 degree centigrade and 1 atmosphere is called demolity. So, अब जैसे देखो 0.2 molar H2SO4 at 25 degree centigrade and 1 atmosphere. 0.2 molar H2SO4 at 25 degree centigrade and 1 atmosphere is not equal to 0.2 demol. ठीक है ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. क्योंकि यहां पे टेम्परेचर 0 degree centigrade नहीं है. सर हाँ बोलो, नोट करना था। अच्छा हो गया सर। ओके।
नेक्स्ट यूनिट लिखो नॉर्मलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है लेकिन एनसीईआरटी में इन्होंने इक्विवेलेंट वेट और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबको अवॉइड किया है, किसी भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया है एनसीईआरटी। तो आप नोट करो नॉर्मलिटी की डिफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है ये आपको मैंने बताया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बोलो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जैसे अगर गिवन है 0.2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब है 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिसॉल्वड इन वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। सर लिखना है एक मिनट। पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर
वेट बाय वेट है तो फिर हमें वेट बाय वेट लिखने की जरूरत नहीं है। पीपीएम अगर हम लिख रहे हैं तो पीपीएम का मतलब ही होता है पीपीएम बाय मास, अदरवाइज आपको ये बताना पड़ेगा कि वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या वेट बाय वॉल्यूम। इसकी डिफिनेशन लिख लो, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की लिखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिसॉल्वड इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिसॉल्वड इन 10^6 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिसॉल्वड इन 10^6 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिसॉल्वड इन 10^6 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इज कॉल्ड पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर है? यस यस सर। तो आप इसको लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 10^6। अब आप लिखो पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्वड इन 10^6 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्वड इन 10^6 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन is called ppm weight by volume, is called ppm weight by volume। ठीक है, तो ये ppm वेट बाय वॉल्यूम है। अब एक बात आप यहां पे देख सकते हो, ppm वेट बाय वॉल्यूम के रिगार्डिंग ये है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्वड इन 10^6 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो इसको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्वड इन 10^3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यस सर। Amount of solute in gram dissolved in 10^3 liter of the solution, या आप इसको ये भी लिख सकते हो amount of solute in milligram dissolved in 1 liter of the solution। बोलो भाई। यस यस सर। यस सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम को हम क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्वड इन 10^6 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या हम उसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्वड इन 10^3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या हम उसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम
ppm weight by volume is also expressed as milligram per liter. मिलीग्राम पर लीटर बेसिकली इस यूनिट को जो है ना यूज किया जाता है वाटर का डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर करने के लिए. आप नोट कर लो. एंड दिस यूनिट इज यूज्ड. सर एक करवा दो लिख लो. एंड दिस यूनिट इज यूज्ड. And this unit is used to determine. And this unit is used to determine the degree of hardness of water. The degree of hardness of water. अब इसको कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड. हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी का सेकेंड वॉल्यूम जो है सेकेंड वॉल्यूम का सेकेंड चैप्टर. तो वहां पे हाइड्रोजन में फिर वाटर का डिस्कशन आता है. तो वाटर में फिर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की बात आती है. तो हार्ड वाटर का डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे डिटरमाइन करते हैं उसका डिस्कशन आता है. तो मैं जब डिग्री ऑफ हार्डनेस मेजरमेंट उधर कैसे करते हैं बताऊंगा तो वहीं पे इसका पूरा डिटेल भी बताऊंगा. क्लियर है बेटा? रोहन तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई फिर से रिपीट करो. सर एक जगह हार्डनेस ऑफ वाटर में पर मिलीलीटर लिखा हुआ था लीटर की जगह पर मिलीलीटर लिखा हुआ था. यस सर लीटर की जगह सर 10^6 से मल्टीप्लाई किया हुआ था. फिर वो माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर होगा. ओके सर. माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर या मिलीग्राम पर लीटर या ग्राम पर 1000 लीटर. आई बात समझ में? ओके. इसको आप जो है माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर लिख सकते हो और ग्राम पर 1000 लीटर. अब बात आती है कि ये जो अलग अलग यूनिट्स हैं जैसे नॉर्मलिटी है मोलारिटी है मोलालिटी है मोल फ्रैक्शन है परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास है परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. एक कैसे आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो. तो मैं आपको यहां पे डेरिवेशन नहीं बताऊंगा सीधे रिजल्ट्स बताऊंगा अभी और आपको ये रिजल्ट्स क्रैम करने होंगे. जब आप प्लस टू में जाओगे तो प्लस टू में सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक चैप्टर डिस्कस होता है जो प्लस टू फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है. वहां पे इसका पूरा विथ डेरिवेशन ये सारी चीजें डिस्कस होती है. मतलब ये कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट का जो कंसेप्ट है बेटा ये प्लस टू में भी एक बार पूरा डिटेल में डिस्कस होने वाला है. ठीक है तो उस मोमेंट पे मैं इसका पूरा डेरिवेशन बताऊंगा. अभी मैं आपको सिर्फ जो रिजल्ट्स हैं इनके बीच में जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं सीधे रिजल्ट आपको अभी लिखवाने जा रहा हूं तो आप उसको नोट करते जाओ. तो रिलेशनशिप बिटवीन ये हेडिंग नोट करो. रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स. तो
रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स. इसमें फर्स्ट यूनिट कंसिडर कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी. नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? देखो रिलेशनशिप नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर. अब देखो फिर से यहां पे वैलेंसी फैक्टर का इन्वॉल्व. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. बाकी वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं उसका पूरा डिटेल मैं आपको बता चुका हूं. जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मेलिटी ऑफ पॉइंट टू मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट इज. तो एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर क्या है बेटा? बोलो भाई. सिक्स. सिक्स है, सही है. एल्युमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर 6 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी जो होगी, इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो इसकी मोलारिटी इंटू 6 होगी, यानी कि 0.2 इंटू 6, 1.2 नॉर्मल, यानी कि 1.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. क्लियर है? यस सर. अगर H2SO4 का मोलारिटी 0.2 है तो नॉर्मलिटी क्या होगी? H2SO4 की नॉर्मल H2SO4 की मोलारिटी 0.2 है तो नॉर्मलिटी 0.4, क्योंकि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 है. अगर H3PO4 की नॉर्मलिटी H3PO4 की नॉर्मलिटी 0.9 है तो उसकी मोलारिटी क्या होगी? 0.3 होगी. जीरो नॉर्मलिटी गिवन है, मोलारिटी निकालनी है. यस सर. तो ये याद रखना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर. फॉर्मूला रटा होना चाहिए. नंबर टू, रिलेशनशिप बिटवीन और अगर अगर आप चाहते हो कि आपको यह डेरिवेशन इसका अभी पता होना चाहिए तो फिर उसके लिए मैं आपको पुराना एक लेक्चर शेयर कर देता हूं, आप उसको देख लेना. चाहते हो क्या इसका डेरिवेशन? कर देना सर शेयर. चलो तो अगर देखना चाहते हो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक पुराना लेक्चर जो है शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना. तो रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. तो आप देखो मोलैरिटी एंड मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. अब कौन सा टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है?
वो मैं यहां पे लिख देता हूं. वेयर डी माइनस में क्या लिखा है, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर. ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, किसी और यूनिट में नहीं ले सकते. डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है. एम ए इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम मोलालिटी है, और कैपिटल एम मोलारिटी. ठीक है, तो मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है. मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. क्लियर है बेटा? यस सर. सेवन प्लेस में चेंज करना, थोड़ा नोट करना. थैंक यू सर. हो गया. Relationship between molality and mole fraction. Relationship between molality and mole fraction. तो अब जैसे देखो, अगर हमने एक solution consider किया है ए और बी से कॉन्स्टिट्यूटेड, ए को हम सल्यूट और बी को सॉल्वेंट बोल रहे, इनके मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी, ठीक है, इनके मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी है. तो हम ये बोल सकते हैं यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000. लिखे सर दोबारा बता. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000. सर लिखना है.
ये ठीक है जी सर। यस सर सर लिखना है। करवा दो तो ये हो गया मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास। रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास। तो देखो क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट। ये होता है मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट। इसमें ये जो डी है ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है इन ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, और एम ए इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम ए इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। जैसे एक रिलेशनशिप मोलारिटी और किसी और कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट के बीच में गिवन है, मोलारिटी और किसी एक कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट के बीच में, और आपको चाहिए रिलेशनशिप नॉर्मलिटी और उसी कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट के बीच में, मतलब मोलारिटी और एक कंसंट्रेशन यूनिट के बीच में रिलेशनशिप गिवन है और आप नॉर्मलिटी और सेम कंसंट्रेशन यूनिट के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करना चाहते हो, तो आपको ऐसे सिचुएशन में कुछ रिप्लेसमेंट करने होंगे। अब क्या रिप्लेसमेंट करने होंगे वो देखो, एक तो आपको क्या करना है, जहां पे मोलारिटी है मोलारिटी को रिप्लेस कर देना है विथ नॉर्मलिटी। जहां पे मोलारिटी है वहां पे आपको क्या लिखना है, नॉर्मलिटी। और आपको क्या करना है, जहां पे मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का उसकी जगह पे आपको लेना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ ये रिप्लेसमेंट, दो सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं। मॉलिक्यूलर मास को कौन है भाई, कौन डिजाइन बना रहा है,
मॉलिक्यूलर मास को आपको इक्विवेलेंट मास से रिप्लेस कर देना है और मोलारिटी को नॉर्मलिटी से रिप्लेस कर देना है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे देखो मोलारिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई मास के बीच में रिलेशनशिप गिवन है और आप चाहते हो नॉर्मलिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई मास के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, तो अब आप उसको इस तरीके से निकालोगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बेटा? यस सर। हमने मोलारिटी की जगह पे नॉर्मलिटी और मॉलिक्यूलर मास की जगह पे इक्विवेलेंट मास को कंसीडर किया। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट रिजल्ट आप लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम। तो देखो क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फिर अगर आप नॉर्मलिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करना चाहते हो, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ये क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, बाकी एक रिजल्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय 10 ये बताया था ना? यस सर। परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय 10। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन है और आपसे बोलेंगे कि उसकी मोलारिटी क्या होगी।
या सोल्यूशन की मोलारिटी गिवन है और आपको उसकी नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं, या सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन गिवन है और आपको उसकी मोलारिटी निकालनी है, तो ये इंटरकन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन जहां पे एक यूनिट गिवन है और दूसरी यूनिट आपको निकालनी है, स्कूल एग्जाम में आता है, तो स्कूल एग्जाम में आप डायरेक्टली इन फॉर्मूला को नहीं यूज करोगे। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करोगे तो फिर ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने नंबर देगा, हो सकता है एक भी नंबर न दे। तो वहां पे तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को एक्सप्लेन करते हुए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो, क्योंकि वहां पे तो ये देखा ही नहीं जाता कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे। ठीक है बेटा। अरे ये क्या है भाई? ओके सर। क्या करेंगे? चलो एक क्वेश्चन लिखो। 15 ग्राम ऑफ मेथनॉल is present in 100 milliliter of solution. 15 gram of methanol is present in 100 milliliter of solution. आगे लिखो, if density of solution is 0.9 gram per milliliter, 0.9 gram per milliliter, calculate the percentage by mass. Calculate the percentage by mass of methanol in the solution. Calculate the percentage by mass of methanol in the solution. Whatever solve karo. इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर गिवन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 90 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूट
हाँ साहब सल्यूट मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं 15 ग्राम ऑफ मेथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ मेथेनॉल इन द सॉल्यूशन कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ मेथेनॉल इन द सॉल्यूशन तो पहले हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया 90 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 15 ग्राम परसेंटेज बाय मास ऑफ मेथेनॉल यहां पे सॉल्यूट मेथेनॉल परसेंटेज बाय मास ऑफ मेथेनॉल हो जाएगा 15 ग्राम तो मेथेनॉल का है और टोटल मास 90 है इनटू 100 ठीक है तो ये आ जाएगा 16.66% क्लियर है बेटा यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट सर ये चैप्टर खत्म हो गया हाँ बस एक कॉन्सेप्ट और है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है वैसे इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट आता है टाइट्रेशन का ठीक है टाइट्रेशन में वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन ये डिस्कशन आता है तो इसको मैं आपको बताऊंगा जब मैं रिडॉक्स टाइट्रेशन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी तो मैंने जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया आगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कशन तो है ही उसके बाद फिर रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं रिडॉक्स स्पीसीज का वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं लेकिन उसमें और भी और कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं तो वो डिस्कशन और उसके साथ फिर टाइट्रेशन वाला पार्ट में एक ही जगह पे डिस्कस करूंगा तो ये होगा एनसीईआरटी का जो सेकेंड वॉल्यूम है उसका फर्स्ट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन तो वहीं पे मैं उसका पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा तो ये टाइट्रेशन भी उसी मूवमेंट पे कंप्लीट होगा ठीक है बेटा टाइट्रेशन को छोड़ करके बाकी सारा कॉन्सेप्ट मैं इस चैप्टर में करा रहा हूं लिखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड्स कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपाउंड्स Calculate the mole fraction. Calculate the mole fraction of the components. Calculate the mole fraction of the components of the solution. Calculate the mole fraction of the components of the solution, which consists of. Which consists of 92 gram glycerol 92 gram glycerol and 92 gram होना चाहिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन होना चाहिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा रहा हूं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ 92 ग्राम ग्लिसरॉल एंड 90 ग्राम वाटर एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरॉल ठीक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरॉल गिवन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरॉल 92 है सॉल्व करो सर मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है दोनों की
वन बाय सिक्स एंड फाइव बाय सिक्स सही है। तो अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लिसरॉल निकालना है तो वो हो जाएगा उसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वन मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, फाइव आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लिसरॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल बोल सकते हो, तो ये फाइव बाय सिक्स है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A solution of urea in water. A solution of urea in water A solution of urea in water is 3000 ppm by mass. A solution of urea in water is 3000 ppm by mass. A solution of urea in water is 3000 ppm by mass. Determine the molality of the solution. Determine the molality of the solution. Determine the molality of the solution. अब इसके लिए आप directly कोई formula नहीं है, तो आपको पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको आप इस तरीके सॉल्व करोगे, लेट n टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लेट 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is present. Let 10 to the power 6 gram of solution is present. So, agar 10 power 6 gram solution ka present hai, to definition ke according, urea ka mass kitna hona chahiye, bolo? बोलो भाई। 3000 ऑब्वियसली होना चाहिए, 3000 ग्राम होना चाहिए, 3000 ग्राम। यूरिया होता क्या है? यूरिया होता है NH2CO NH2। इस कंपाउंड को यूरिया बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 16, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? 3000 अपॉन 60, यानी कि 50 मोल, 50 मोल, ठीक है। तो
अब आप यहाँ पे आपको निकालना है मोलालिटी, तो ध्यान देना ये 10.6 ग्राम सॉल्यूशन का है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, 1000 इंटू 10^3, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 3 × 10^3, लिख सकते हो ना। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। ये 997 × 10^3 ये लिखा जा सकता है, या 0.997 × 10^6। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल लिया। अब फिर देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, तो फिर मोलालिटी निकाली जा सकती है। ये नोट कर लिया सबने? तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो 0.997 × 10^6 ये ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 5 upon 0.997 × 10^-2 आ जाएगा, 5 upon 0.997 × 10^-2, तो ये आ जाएगा 0.051 मोलल। 0.051 मोलल। आया समझ में बेटा? Yes, अगर आप यहां पे सल्यूट का मास को नेग्लेक्ट करके भी एनालिसिस करते तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू से जो है मतलब वो सेम आती, 0.05 मोल/kg आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एन एक्वस सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एन एक्वस सॉल्यूशन is 0.018, determine molality of the solution,
determine molality of the solution. कैसे सॉल्व करोगे? सर सॉल्वेंट का वो निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद वो कन्वर्जन वाला कर लेंगे, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर लो. यस. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर है, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हो जाएगा, आ जाएगा 0.982. और फिर उसके बाद आप ये रिजल्ट यूज कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोलालिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर अपॉन 1000, यानी कि 0.018 अपॉन 0.982 is equal to molality निकालना है multiplied by molecular mass of water 18 upon 1000. तो 1000 को इससे multiply करोगे तो ये 18 आ जाएगा, मतलब ये और ये cancel हो गया, तो molality आ गई 1 upon 0.982 mole per kg. 1 upon 0.982 mole per kg. तो ये आ जाता है 1.018 मोल पर के. क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर. यस यस सर. लिखो सर, एक मिनट लिखना है. अब मैं अगर आपसे यही क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पूछा जाता तो फिर आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे, ठीक है? ये फॉर्मूला फिर आप सीधे यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर वहां कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? अब मैं उसका अप्रोच बताता हूं. अगर यही क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप ऐसे प्रोसीड करोगे, आप एज्यूम कर लो कि 1 मोल सोल्यूशन का प्रेजेंट, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूशन का प्रेजेंट है, तो मास ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा? 0.018. क्लियर है? यस सर. यस सर. 0.018 मोल इथेनॉल का हो जाएगा अगर टोटल मोल 1 है, तो मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0.982. यस सर. सर अब आप क्या करोगे, इथेनॉल का मोल पता है, वाटर का मोल पता है, तो वाटर का मास निकाल लो. यस सर. 0.982 इंटू 18 ग्राम आ जाएगा उसका मोल, उसका मास. फिर सॉल्यूट पता चल जाएगा सर. मतलब आपको सॉल्वेंट का मास पता चल गया और सॉल्यूट का मोल पता चल गया. यस सर. फिर मोलालिटी का फॉर्मूला यूज कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. यस सर. मतलब क्या जाएगा, 0.018 अपॉन 0.982 इंटू 18, ये मास ग्राम में है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के, यही आ जाएगा 1 अपॉन 0.982 मोल पर केजी. ठीक है बेटा? यस सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लिखो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल
हैज डेंसिटी 1.025 ग्राम पर मिलीलीटर एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी 1.025 ग्राम पर मिलीलीटर एंड इट इज 8 मोलर एंड इट इज 8 मोलर उसकी मोलारिटी गिवन है 8 मोल पर लीटर एंड इट इज 8 मोलर डिटरमाइन इट्स मोलालिटी ठीक है मोलालिटी निकालनी तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हो सीधे ये फॉर्मूला यूज करो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलारिटी अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1000 इनटू 8 अपॉन 1000 इनटू 1.025 माइनस 8 इंटू मॉलिक्यूलर मास ये है इथेनॉल इथेनॉल है तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास होता है 46 ये आ जाएगा क्लियर है यस सर ये सॉल्व करके आता है 12.17 मोल पर केजी अच्छा अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे देखो यहां पे मोलारिटी गिवन है 8 मोल पर लीटर तो आप एज्यूम कर लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है एज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट ठीक है यस सर अच्छा अगर 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो कितना मोल सॉल्यूट का होगा 8 8 मोल सॉल्यूट का आ गया अब 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकाल लो तो 1025 ग्राम आ जाएगा यस सर मास ऑफ सॉल्यूशन 1025 ग्राम आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता है आपको तो वहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे अरे समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने बोला 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया तो 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया तो 8 मोल सॉल्यूट का है उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन का मास कितना होगा डेंसिटी से आप मास निकाल लोगे 1025 ग्राम आ जाएगा ये सॉल्यूशन का मास होगा सॉल्यूट का मास निकालना है तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास तो सॉल्यूट का मास आ गया फिर सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्वेंट का मास निकाल लोगे और सॉल्वेंट का मास मिल गया और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आपको पता है तो मोलालिटी आ जाएगी क्लियर है यस सर यस सर तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना जिनमें मैंने सीधे फॉर्मूला यूज कर लिया उन क्वेश्चन को आप अपने वो पूरा जो स्कूल एग्जाम वाला जो प्रोसीजर है ना आप उस तरीके से जरूर सॉल्व कर लेना ओके सर अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है इसको जरा देखो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं लिखो हेडिंग नोट करो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात आती है डाइल्यूशन क्या होता है, बोलते हैं एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूशन? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट को अगर हम ऐड कर रहे हैं, मतलब हम उस सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप जरा देखो, अब सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम यहां पे सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या इससे सोल्यूट के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, हमने तो सॉल्वेंट ऐड किया ना, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो उतना ही रहेगा। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो ड्यूरिंग डाइल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स unaffected, therefore number of mole of solute before dilution, number of mole of solute before dilution is equal to number of mole of solute after dilution। लिख सकते हैं बेटा? Yes sir। अच्छा, number of mole of solute before dilution, ये क्या होगा? जैसे molarity क्या होती है? Molarity होती है number of mole of solute upon volume of solution in liter, होती है ना? Yes sir। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। तो अब देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इनिशियल मोलारिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन हो गया। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अरे मैंने बोला कि डाइल्यूशन में, डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का एडिशन होता है। अगर डाइल्यूशन सॉल्वेंट का एडिशन होता है तो इससे सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होगा तो जितना मोल सॉल्यूट का डाइल्यूशन से पहले था उतना ही मोल सॉल्यूट का डाइल्यूशन के बाद होगा। अब सॉल्यूट का मोल सॉल्यूशन की मोलारिटी इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, जो मोलारिटी का फॉर्मूला है उसके बेसिस पे देखो। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू इनिशियल मोलारिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? फाइनल मोलारिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि इनिशियल मोलारिटी दे देते हैं, इनिशियल वॉल्यूम दे देते हैं, कई बार फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता देते हैं, और फाइनल मोलारिटी निकालने के लिए बोलते हैं। एम आई वी आई वी एफ पता है तो एम एफ निकाल लोगे, या क्या होता है कि इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोलारिटी बता करके और फाइनल वॉल्यूम आपसे पूछते हैं, तो आप वी एफ निकाल सकते हो। कई बार ये होता है कि इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल वॉल्यूम, ये आपको बता दिया और फाइनल फाइनल मोलारिटी बता दिया, और आपसे ये पूछेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया है, तो आप क्या करोगे? इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल मोलारिटी पता है तो फाइनल वॉल्यूम निकाल लोगे, फिर फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो जो ऐड किया गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर।
सर इसमें सोल्यूट के वॉल्यूम नहीं निकलता। अरे भाई यहाँ पे हमने बोला कि VI पता है, VF पता है, तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपने बाहर से ऐड किया था वो वॉल्यूम पता चल जाएगा आपको। यस सर, क्योंकि जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो चेंज किस लिए हो रहा है, सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से हो रहा है। ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है यहां पे, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जैसे दो एसिड का मिक्सचर है या दो बेस का मिक्सचर है या एक एसिड और एक बेस का मिक्सचर है, उसका कंसंट्रेशन जो मिक्सचर मिला उस मिक्सचर का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो अब देखो यहां पे जैसे मैं अलग अलग केस बना करके बता रहा हूं फटाफट, जैसे हमारे पास एसिड सॉल्यूशन वन है, एसिड सॉल्यूशन वन प्लस एसिड सॉल्यूशन टू और इससे हमने बनाया मिक्सचर, एसिड सॉल्यूशन वन और एसिड सॉल्यूशन टू को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया, हमें इस मिक्सचर का कंसंट्रेशन निकालना है। अब देखो पहले सॉल्यूशन की मान लो मोलारिटी है M1, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1, दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी है M2, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V2 और आपको मिक्सचर की मोलारिटी निकालनी, ठीक है। अब ये यहां पे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर हम सीधे तभी निकाल पाएंगे जब सेम एसिड दोनों सॉल्यूशन में होगा, इसके लिए कंडीशन है इफ सेम एसिड इज प्रेजेंट इन बोथ सॉल्यूशन, जैसे अगर दोनों सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड के हैं या दोनों सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड के हैं या दोनों सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं तब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो कैसे अब यूज करेंगे, जैसे मान लो आपको मिक्सचर की मोलारिटी निकालनी, तो आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे, जरा ध्यान से समझ लो, पहले सॉल्यूशन में एसिड का मोल निकाल लो, कैसे निकालोगे बोलो, मोल ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन वन M1 into V1, molarity into volume, M1 V1, mole of acid in solution 2, M2 into V2, 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 total mole of acid in mixture, plus, दोनों को plus कर दो, M1 V1 plus M2 V2, clear है ना? Yes. तो mole of acid in mixture क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, V2। तो फिर मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ एसिड इन मिक्सचर प्लस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। पांच मिनट आपका और लूंगा बस इस चैप्टर को आज समराइज करना। अच्छा अब देखो अगर दो डिफरेंट एसिड है, इफ टू डिफरेंट एसिड
are present, then आप कैसे प्रोसीड करोगे? जैसे मान लो कि एक सोल्यूशन है एच ए एक्वस का, ये एक सोल्यूशन, और दूसरा सोल्यूशन है एच बी एक्वस। ये एच ए और एच बी दो एसिड्स है, एक्वस सोल्यूशन उनका लिया, इससे हमने मिक्सचर बनाया। अब हम यहां पे देखो क्या करेंगे, यहां पे हम दोनों की नॉर्मलिटी हमें पता होनी चाहिए, दोनों का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए, फिर हम यहां पे मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकालेंगे। जब डिफरेंट एसिड होंगे ना तो हमेशा नॉर्मलिटी के टर्म्स में बात होगी, तब मोलारिटी के टर्म्स में बात नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है एक एसिड मोनोबेसिक हो, दूसरा डाइबेसिक हो या ट्राइबेसिक हो, तो आप उस कंडीशन में आप मोलारिटी के टर्म्स में कभी बात नहीं करोगे, हमेशा नॉर्मलिटी के टर्म्स में बात करोगे। तो पहले वाले एसिड सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी एन वन। हाँ, कुछ पूछना चाहते हो बेटा तनिष्क? नो सर, गलती से। तो पहले एसिड सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी एन वन और वॉल्यूम वी वन है, दूसरे एसिड सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी एन टू और वॉल्यूम वी टू है, और मिक्सचर की नॉर्मलिटी हमें निकालनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन वन, क्योंकि एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता, प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन मिक्सचर। लिख सकते बेटा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, तो पहले वाले सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना होगा बोलो? N1V1। वेरी गुड, N1V1। दूसरे वाले में कितना होगा? N2V2। तो मिक्सचर में कितना होगा? प्लस। मिक्सचर की नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। बोलो। यस सर, यस सर। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आ गया यहां से? यस सर। क्या आया? फाइनल एक्सप्रेशन लिख लो, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। यस सर, एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। अच्छा, अगर दो एसिड का मिक्सचर के लिए आप ये रिजल्ट यूज कर रहे हो, तो दो बेस के मिक्सचर के लिए भी तो यही रिजल्ट यूज होना चाहिए। यस सर, यस सर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लेना बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होती है ना, वो उस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है उसके बराबर होती है। नॉर्मलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, इस बात को आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो, नॉर्मलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इनसाइड इट। नॉर्मलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन is equal to hydrogen ion concentration present inside it. And normality of basic solution, and normality of basic solution is equal to hydroxyl ion concentration present inside it.
and normality of basic solution is equal to hydroxyl ion concentration present inside it. ठीक है, अच्छा अब बस लास्ट केस बता रहा हूं, इस यहीं पे क्लास कंप्लीट करूंगा. जैसे देखो हमारे पास एक एसिड सॉल्यूशन है और एक बेस सॉल्यूशन. एसिड को मैंने एच ए से रिप्रेजेंट किया और बेस को बी ओ एच से रिप्रेजेंट किया. ये ओ एच नेगेटिव देगा और ये एच पॉजिटिव देगा. इन दोनों का हमने मिक्सचर लिया है बेटा. ठीक है, अगर एसिड की नॉर्मलिटी एन वन और वॉल्यूम वी वन है, बेस की नॉर्मलिटी एन टू और वॉल्यूम वी टू है, मिक्सचर की नॉर्मलिटी हमें निकालनी. इसमें अलग अलग केसेस है. फर्स्ट केस, इफ एन वन वी वन इज ग्रेटर देन एन टू वी टू, सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा बताओ? एसिडिक सर. एसिडिक, हाँ, क्योंकि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है. देन सॉल्यूशन इज एसिडिक. ये भी पूछा जाता है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा. तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और ये किसके बराबर होगा? क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, अब इसी में लिख लिया ना सबने? यस सर. यस सर. अब देखो इसी में दूसरा केस आ जाता है. इफ एन वन वी वन इज लेस देन एन टू वी टू, तब क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन. बेसिक सॉल्यूशन सर. बेसिक सॉल्यूशन. देन सॉल्यूशन इज बेसिक. अब सॉल्यूशन बेसिक है तो मिक्सचर की नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? एन टू वी टू माइनस एन वन वी वन. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम. और ये किसके बराबर होगा? OH नेगेटिव. OH नेगेटिव. अच्छा भाई, अब एक तीसरा केस, लास्ट केस आ जाता है. इफ एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू, तब क्या होगा बेटा? न्यूट्रल. न्यूट्रल. देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. और जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है ना, तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है और वही हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होता है. और ये वैल्यू बेटा होती है 10 टू द पावर माइनस 7 मोल पर लीटर के बराबर. लेकिन कब? ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है ना? यस सर. यस सर. बस चैप्टर फिनिश. यस सर. तो अब कल की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो आपकी फ्राइडे को क्लास होगी, फ्राइडे की क्लास में मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है बेटा? सर इसके क्वेश्चन ही कराऊंगा. कॉन्सेप्ट तो सारा बता दिया, क्वेश्चन आपको आपके बुकलेट में है. ठीक है, और असाइनमेंट में भी है, आप सॉल्व करो खुद से, डाउट ले लो उसके. ठीक है सर. सर एक बार वो वाला पेज चलाना, डाइल्यूशन कंसंट्रेशन वाला. सर इसको भी चेंज मत करना, एक मिनट. हाँ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ सर, कल क्लास तो नहीं है ना.